कि दो ट्रांसफार्मर जो है वो पैरेलल में है, जैसे ये। और ये क्या है कि वो ही दो लीनियर ट्रांसफार्मर है इनके, यानी कि ये अगर न्यूट्रल के करंट की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। लेट्स सपोज मैं इसको आपको ये भी ड्रा करके दिखा देता हूँ एक। अच्छा, ये इसके पैरामीटर्स हैं पैरेलल ऑपरेशंस के। ये आप इसकी भी रिकॉर्डिंग लगा लो ताकि, ठीक है हसीब? हेलो, हाँ, इसकी सेपरेट लगा लो ना ताकि ये सेपरेट हो जाएगी। तो इसका अब हम पैरेलल ऑपरेशन में ये जो हमारे पास चीज देखने वाली है वो तो की फीचर्स में आ गया ना, कि वोल्टेज रेगुलेशन और ये वगैरह। अच्छा, इसमें जो चीज है ना जो करने वाली वो है कि आप दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को जो है वो पैरेलल ऑपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। अब वो जो पैरेलल ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हो आप, वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं के जो जिनमें आप अपने ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हो। आपने अक्सर वो देखा होगा कि घरों में आपके स्ट्रीट्स में वो जो है एक ट्रांसफार्मर जो है वो एक जो है ना एक्स्ट्रा रेडीसी में डाल के रख जाते हैं, तो डेट विल बी द पैरेलल ऑपरेशन कनेक्ट। तो वो क्या होता है कि वो ट्रांसफार्मर जो है वो आपका पैरेलल में लगा होता है, कि अगर आपका एक ट्रांसफार्मर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हुआ है तो आप उसको दूसरे को यूटिलाइज कर सको। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जो ट्रांसफार्मर्स ऑन टर्न रेशियोज वोल्टेज रेटिंग आर सेम, दोनों ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियोज और वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए। पोलैरिटीज ऑफ द ट्रांस, कि जहाँ पे आप जिस ट्रांसफार्मर के एंड के ऊपर फेज दे रहे हो और जिसके ऊपर आप दे रहे हो न्यूट्रल, वो सेम होने चाहिए। परसेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर आर सेम, कि जो आपकी वाइंडिंग यूज हो रही है उसकी इम्पीडेंस वैल्यू सेम होनी चाहिए। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू रिएक्शन रिएक्टेंस आर सेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कि आपकी जारी बात है जो वाइंडिंग यूज हो रही है उसकी कोई रेजिस्टेंस भी है कोई रिएक्टेंस भी है, वो रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस रेशियो जो है, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस जो रेशियो है दोनों की, दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के क्रॉस प्राइमरी की, सेकेंडरी के क्रॉस सेकेंडरी की, दोनों की सेम होनी चाहिए। फेज डिस्प्लेसमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सेम, फेज सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सेम। तो ये छह जो है वो बेसिक जो है ना वो आपके आपके पैरामीटर्स हैं, जब आप पैरेलल ऑपरेशन करने जा रहे हो तो आपके वो सेट होने चाहिए। तो मैं लेट्स सपोज इसको वो ही फाइल खोलता हूँ, अगर ठीक। ये मैं फाइल को ओपन करता हूँ सिमुलिंक की।
ये इनिशियलाइजिंग हो रही है जो फाइल हमने आगे बनाई थी। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये कनेक्शंस, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि इस चेस्ट से एक और ट्रांसफार्मर को लेना है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हो आप, कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन भी है इसमें कि आपने ये 250 वो सेम पैरामीटर्स के ऊपर जो है आपके दोनों ट्रांसफार्मर आ गए, ये भी उसी पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। 127 प्राइमरी 50 सेकेंडरी। अब आपने क्या करना है कि ये आपका एक एसी वोल्टेज सोर्स था, इसको आपने यूज किया इस तरीके प्रकार से, कि अगर ये एंड आपका लेट सपोज ये वाला वन टर्मिनल है तो ये वाला आपने लगा दिया इधर। लेट सपोज कहता हूँ कि ये फेज है ऊपर वाला और ये न्यूट्रल, ठीक है। तो जो ऊपर वाला टर्मिनल है ये इस सेकंड ट्रांसफार्मर का ये फेज के साथ लगेगा, और जो नीचे वाला चूंकि ये इस ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल के साथ है तो इसलिए इस ट्रांसफार्मर का ये वाला टर्मिनल न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होगा। इसको हम कहते हैं फेज अनोनोमस फेज सीक्वेंस, ठीक है। यानी कि फेज सीक्वेंस जो है वो सेम होने चाहिए। अच्छा, अब सेकेंडरी साइड के ऊपर अगर हम आते हैं तो इसको अगर आप देखें तो सिंपल अगर मैं इसके क्रॉस वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक लगाऊं तो ये जीरो होंगे, वोल्ट मस्ट भी जीरो होंगे, क्योंकि अगर अगर कोई डिफरेंस आ रहा होगा तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका वे क्या है कि आप इसको यूं भी चेक कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ पे इसके क्रॉस कोई लगाएं, एक लोड लगा देंगे जो अभी हमने यूज किया हुआ, ये लोड लगा देते हैं और इसके बीच में ये एक करंट मेजरिंग ब्लॉक लगा देते हैं इस जगह पे, इसके क्रॉस यूं लगा देते हैं करंट, सॉरी यूं करते हैं इसको, ये लोड लग गया इसके क्रॉस, ठीक है। और
मैं करंट मेजरिंग यूनिट वो किधर गया, तो यहां से निकाल लेते हैं। पावर सिस्टम इसको मैं चलाता हूँ। तो ये तकरीबन 17 पॉइंट समथिंग इसमें दिया करंट को, ठीक है, इस एंड के ऊपर। अच्छा, अगर मैंने करंट मेजर करना है यहाँ पे भी, इसके क्रॉस। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ कि ये वाले टर्मिनल्स को इधर लगा देता हूँ, बॉटम वाले। ये इसके एंट्री होगी ना ट्रांसफार्मर की। ये प्राइमरी थी, वन जहाँ पे लिखा हुआ प्राइमरी है, टू जहाँ पे लिखा हुआ उसके एंट्री है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ इस एंड के क्रॉस, बॉटम एंड के क्रॉस करंट मेजरमेंट ब्लॉक्स इधर, ठीक हो गया। और इसको जो है वो मैं आप देखें, तो वो देखें करंट की वैल्यू सेम आ रही है तकरीबन। वो भी 17 से स्टार्ट हुई थी, तो ये भी 17 से। इसका मतलब क्या है कि आप बोथ हैंड्स के ऊपर अगर आपका आई करंट जो है वो इन अपर टर्मिनल्स के अक्रॉस और इन लोअर टर्मिनल्स के अक्रॉस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो ये वाले पैरामीटर्स जो हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स के जो हैं, ये तमाम के तमाम फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये करंट जो है, अगर हम एक और चीज चेक करना चाहते हैं यहाँ पे, हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमें ये भी पता चल जाए ये करंट कितना। वो भी आप क्यों करें, तो आप क्यों करें, क्या बेहतर। अच्छा, इसके क्रॉस भी अगर आप एक और करंट मेजरमेंट यूनिट लगा लें ताकि आपको दोनों फ्रंट्स का पता रहे कि सेम आ रहे हैं।